चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूँ, परसेंटेज, जो अर्थमेटिक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये समझ लीजिए पूरे अर्थमेटिक की जान है एक तरह से। तो ये परसेंटेज चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करके, जैसा कि आप लोग पहले भी जानते होंगे कि परसेंटेज के बारे में कुछ लोग आप पहले से थोड़ा सा आपको पता होगा, फिर भी मैं बेसिक चीज़ें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। और इसके अलावा जो है हम छोटे लेवल से लेकर काफ़ी अच्छे लेवल तक परसेंटेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं, देखिए किस तरह से। सबसे पहले तो आप परसेंटेज शब्द का मतलब जान लीजिए कि इसका मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब है परसेंट, परसेंट मतलब प्रतिशत, यानी 100 पे कैलकुलेट होने वाली कोई भी चीज़ को मतलब प्रतिशत काउंट करते हैं। 100 पे कोई भी चीज़ कैलकुलेट की जाती है तो वो प्रतिशत होती है। अब देखिए इसका जो है एक और मतलब ये हुआ कि डिवाइड बाय 100। जैसे 5% अगर हमको निकालना है, हम ये कहें कि हमको जो है किसी चीज़ का 5% निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को जो है हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। यानी किस तरह से, आइए देखते हैं। देखिए हमने बोर्ड पे पहले ही लिख रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि 5%, तो परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए अभी हमने बताया कि डिवाइड बाय 100, तो 5 डिवाइड बाय 100, यानी 5 से 100 कटेगा तो 1/20 सिंप्लीफाई होकर 1/20 आ जाएगा। एक और देखिए यहाँ पे 10%, 10/100, परसेंटेज को रिमूव किया 100 से और 1/10 हुआ। वैसे 15% का निकाल लेंगे तो 15 डिवाइड बाय 100, यानी 3/20। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी कि परसेंटेज को निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मल सी चीज़ थी, सबको पता है पहले से ही। यहाँ पे मेन समझने वाली चीज़ ये है फ्रेंड्स कि अगर हम लिख रहे हैं कि 15% = 3/20, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको यूज किस तरह से कर पाएंगे, जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, जो बड़े बड़े मतलब क्वेश्चंस होते हैं SSC या अदर वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो उसमें किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए 15% अभी हमने आपको बताया कि 15% निकालेंगे आप किस तरह से या किसी भी चीज़ का, तो 15% की फ्रैक्शन आप कैसे लिखेंगे, 15/100 सिंप्लीफाई किया तो 3/20। इसी को हम यहाँ लिख के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस में या इसका मतलब क्या होता है। आप देखिए अगर 15% की फ्रैक्शन हमने 3/20 निकाल रखी है, इसका मतलब जो ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू है जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम एक्चुअल वैल्यू कंसीडर करते हैं, बेस वैल्यू बोलते हैं। और शायद हो सकता है आपने पहले ये चीज़ें ना सुनी हो, ना देखी हो, या फिर अगर आप जानते भी होंगे, किसी से पढ़ा भी होगा, तो भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। इसको हम बेस वैल्यू बोल के चलते हैं या ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू बोल के चलते हैं। तो ये 20 का जो 15% है वो 3 होगा, इसका यही मतलब हुआ। इस तरह से अगर कोई मतलब इक्वेशन आपके सामने लिखा है कि 15% = 3/20, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 का जो 15% है वो कितना होगा, 3 होगा। ऐसे ही एक और फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे ले लीजिए मतलब 25%। अब 25% की फ्रैक्शन लिखेंगे तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 25/100। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ गया 1/4, यानी 25% = 1/4, ये तो आपको पता है। लेकिन हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ देखा बेस वैल्यू और इसका 15% 3 हुआ, उसी तरह से 4 का जो है 25% 1 होगा। इसका कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका इतना परसेंट न्यूमरेटर में प्रेजेंट वैल्यू होगी, ये कॉन्सेप्ट था।
अब कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, और उसके बाद से धीरे धीरे और भी आगे के कई कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। और दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन समझाने के बाद अभी मैंने आपको जो भी बताया या जो भी समझाया उसको आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्लियर हो गया आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, कह रहा है इफ 16 होल 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड ओरिजिनल नंबर। हिंदी में भी मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ और हम लोग बायलिंगुअल पढ़ेंगे इसको। तो कह रहा है यदि 16 सहित 2/3% यदि किसी संख्या का 16 सहित 2/3% उसमें ऐड कर दिया जाए, यानी खुद में जो है ऐड कर दिया जाए, तो वो जो नया नंबर जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है ऐड करने के बाद वो कितना हो रहा है, 4956। तो कह रहा है वो ओरिजिनल जो संख्या थी वो ज्ञात करिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप क्या करिए, जो भी परसेंटेज है या फ्रैक्शन है उसको जो है आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 16 सहित 2/3% आप नंबर, तो 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन आप निकालिए। तो हम बता देते हैं आपको कि 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे आप, तो हमने भी बताया परसेंटेज निकाल को फ्रैक्शन में जब चेंज करने जाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 16 3 48 2 50/3, तो 50/3 ये सिंपल फॉर्म हो गया। और ये जो परसेंट है इसको हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, यानी जो फ्रैक्शन हमारी आ गई वो 1/6, यानी 16 सहित 2/3% की वैल्यू कितनी आई, 1/6। इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि 6 का जो 16 सहित 2/3% है वो 1 है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टॉपिक का कि 6 ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा और 6 का जो 16 सहित 2/3% है वो 1 है, इसका यही मतलब होता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो कह रहा है कि 16 सहित 2/3% ऑफ ए नंबर एडेड विथ इटसेल्फ, यानी 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 हो गया, 6 को हम ओरिजिनल वैल्यू मान लिए, तो 6 का 16 सहित 2/3% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हमने समझाया यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे देखिए हमने ओरिजिनल वैल्यू 6 यूनिट मानी और इसमें जो है 1 को ऐड कर दिया, तो जब 1 को ऐड करेंगे तो इंक्रीज्ड वैल्यू जो हमारी है वो 7 यूनिट हो जाएगी, तो 6+1=7 यूनिट। अच्छा आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रिजल्ट है ऐड करने के बाद वो कितना है, 4956, यानी 4956, तो 7 यूनिट का वैल्यू जो है वो 4956 है। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 708। तो इस तरह से 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 708 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4248, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने और लिख रखा है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी कुछ पिछले क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया होगा या फिर कम समझ में आया होगा तो आप दोबारा रिपीट करके भी देख लीजिएगा, या फिर ये सेम क्वेश्चन है सेम टाइप का तो आपको समझ में आएगा। देखिए कह रहा है 6 होल 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, कह रहा है यदि किसी संख्या से उसका 6 सहित 2/3% घटा दिया जाए देन द रिजल्ट बिकम 5670, तो जो रिजल्ट आता है वो कितना हो जाता है, 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो पूछ रहा है कि जो एक्चुअल संख्या थी, ओरिजिनल संख्या थी वो क्या थी, तो देखिए हमने
इस सवाल में आपको बताया कि सबसे सिंपलेस्ट वे करने का जो तरीका है इस तरह के सवालों का वो क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो परसेंटेज वैल्यू दिया है उसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदल लेंगे ताकि हमारे पास एक वेस वैल्यू हो और इसी को एक्चुअल वैल्यू मानते हुए सवाल को हम सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 6 होल 2/3% का मतलब क्या हुआ, इसको जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 1/15 ये 1/15 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करने का तरीका 3 6 18 2 20/3 20/3 को परसेंट पाएंगे तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, इसको पहले मिक्स को सिंपल होकर कन्वर्ट कीजिए 6 3 18 2 20/3 और इसको परसेंट को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/15। तो इस तरह से 15 क्या होगा हमारा बेस वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि जो बेस में वैल्यू प्रेजेंट होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो 15 अगर ओरिजिनल वैल्यू है तो 15 में से कितना घटाना है, ओरिजिनल वैल्यू का ही तो 6 होल 2/3% घटाना है। इसका मतलब 15 में से 15 का 6 सही 2/3% घटा देना है। हमने अभी आपको बताया कि 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा जो न्यूमरेटर में वैल्यू प्रेजेंट होगी, इसका मतलब 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा, एक होगा। इसका मतलब 15 में से कितना घटाना है, एक घटाना है। तो 15 में से जब एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 बचेगा। तो 14 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 5670। घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो दे रखा है 5670। तो अगर 14 यूनिट की वैल्यू 5670 है फ्रेंड्स, तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 unit = 405। अब एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू हमारा कितना है 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 405 × 15 = 6075। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल सा तरीका था ये। आगे और भी कॉन्सेप्ट और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में और इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये बेस है आपका, आज मेरी पहली वीडियो थी तो मैं कहना चाहूँगा कि इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और विश्वास रखिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। ये मेरी पहली वीडियो थी और वीडियो बनाने का ही मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब कम है, एमेचर हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं तो मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको स्टार्टिंग है मेरा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और 2-4 लोगों तक इसको पहुँचाइएगा। धन्यवाद।